राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित मध्य प्रदेश की सोयत थाना क्षेत्र में मध्य प्रदेश पुलिस ने नशे की बड़ी खेप पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने सोयत थाना क्षेत्र से 1 करोड़ से अधिक की कीमत का गांजा पकड़ा है। सोयत थाना प्रभारी हरीश जेजूरकर ने बताया कि एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए वाहन चेकिंग के दौरान बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया। इसकी कीमत करीब 1,57,00,000 रुपए है। पुलिस ने 8 क्विंटल 80 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा एक कंटेनर से जब्त किया, साथ ही आरोपी चालक को गिरफ्तार किया है। आरोपी विष्णु प्रसाद राजस्थान के झालावाड़ के खीजरपुर का रहने वाला है। तराजी बड़ी खेप पकड़ी है जिसमें गांजा 8 क्विंटल 880 किलो है, तकरीबन 9 क्विंटल के लगभग। इसमें विशाखापट्टनम से ये ले जा रहे थे और ये गांजा कोटा के लिए जा रहा था और इसमें मुखर की सूचना पर कार्रवाई हुई है। इसमें एक कंटेनर है, इसमें MP09GG3474, इसमें करीबन गांजा की मात्रा के साथ साथ इसमें एक उसका ड्राइवर विष्णु प्रसाद पिता रामकृष्ण दांगी जो झालावाड़ जिले का खेजरपुर थाना रायपुर का रहने वाला है, इसके द्वारा ये बताया कि क्योंकि हमको तो एक मुफ्त 1,00,000 रुपये दिया गया था कि भाई आप इस पूरे कंटेनर को लेके जाएंगे और उस पर कार्रवाई की गई है। साथ में ही अब इसमें अनुसंधान में ये सब चीज़ें शामिल की जाएंगी कि विशाखापट्टनम में कहाँ से इन्होंने ये ख़रीदा और ये कोटा में कहाँ ले जा रहे थे, इसके साथ साथ इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, वाहन मालिक की क्या भूमिका है और ये वाहन जिस कंपनी में चल रहा था उस कंपनी का क्या योगदान है इसमें, इस पर जो है गहन अध्ययन किया जा रहा है और अपराध जो हुआ है उसका अनुसंधान में जो तथ्य आएंगे इस पर कार्रवाई की जाएगी। ये संदेह एक बड़ी खेप है जो जिला आगर के लिए हमारी सोहित टीम के द्वारा जो कार्रवाई की गई, इसमें हमारे एडिशनल SP और SDOP के निर्देशन में थाना प्रभारी हरीश जेजूरकर के द्वारा और उनकी टीम के द्वारा ये बहुत अच्छा कार्य किया गया है। बहरहाल मामले में मध्य प्रदेश पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया है और मामले की जांच में जुटी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बल बहादुर सिंह हाड़ा की रिपोर्ट।